नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बेरोजगारी के कलंक को लेकर चल रहे बिहार में बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार अब बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, श्रम संसाधन के निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण की विशेष पहल पर प्रदेश के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए राज्य के नोडल ITI और LNT निर्माण कौशल प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद के समन्वय से 6 जून से 17 जून तक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए कैंपस सिलेक्शन किए जा रहे हैं, जिसके लिए ही अब आवश्यक योग्यता फिटर, वेल्डर, मैकेनिक या 10वीं 12वीं पास रखा गया है। इसके साथ ही आवेदक अब शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। साथ ही ध्यान रहे, आवेदकों की आयु सीमा 18 से 30 साल की रखी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के बाद अब हर महीने 16,000 भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। अब इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने नवीनतम 3 पासपोर्ट साइज फोटो और सभी मूल प्रमाण पत्र और साथ में फोटो की मांग की गई है। साथ ही साथ अब अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आयोजित की जाने वाली तारीख और आयोजन स्थल का भी विवरण बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। 6 जून से शुरू हुए इस प्रशिक्षण सत्र के बाद गया, सीतामढ़ी, दरभंगा में प्रशिक्षण होने के बाद 9 जून को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा, 9 जून को सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्तीपुर, 10 जून को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घोघरडी मधुबनी, 11 जून को सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान त्रिवेणीगंज सुपौल, 13 जून को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहरसा, 15 जून को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फारबिसगंज अररिया, 17 जून को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थावे गोपालगंज में ये प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है। मंत्री जीवेश मिश्रा की माने तो आने वाले समय में अब जो लोग भी इस अहर्ता को पूरा करते हैं, इस अवसर का लाभ वो आसानी से उठा सकते हैं और साक्षात्कार में हिस्सा लेते हैं। और सभी सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने योग्य बताए गए हैं। मंत्री जी की माने तो विभाग प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़े जाने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसका फलाफल मेले के आयोजन और रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण में दिख रहा है। सरकार अब अपने वादे के अनुसार ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिए जाने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार के अब इस खास पहल से यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बिहार से बेरोजगारी कम होगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने लगेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।